और उसका नंबर क्योंकि अभी तक मैं चुप था, इसलिए चुप था कि हो सकता है जिसने गलती से मुझे धमकी दे दी हो, उसने मुझे डराने की कोशिश की मोबाइल से, और उसके मैसेज हमारे पास है रिकॉर्डेड। हम कल या परसों लखनऊ में जब भी प्रेस करेंगे वो सार्वजनिक करेंगे कि कम से कम कोई धमकी हमें दे रहा और आज हमारी जवान आ गया। अगर हमारे कार्यकर्ता मार मार के गलती कर देते तो एफआईआर पे डल जाती। सही बात, हम लोगों ने जान बचाई थी। सही बात, रोजगार मांगने नहीं आया था। आपका कार्यक्रम डिस्टर्ब करने आया था, जैसे कि आप भाषण ही दो। और मैं कहूंगा कि ये कानून नहीं चाहिए जो कानून ला रहे हो आप। हमें यहाँ से नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो बताओ क्या कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग क्या मांग रहे हैं? बताओ कैसे थे? नहीं कहते आपसे, कहते भैया कहते। और फिर अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई कहे कि हमें संविधान ने बराबर का हक दिया है, संविधान अगर हमें कहता है कि कोई भेदभाव नहीं हो सकता, अगर संविधान हमारा ये कहता है कि कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है, ना जात के नाम पर ना धर्म के नाम पर, तो ये हमें और आपको और खासकर गुलाम भाइयों को क्या कहते हैं कि जिहादी लोग हैं, ये जिहादी कहते हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। क्या ये लड़ाई आपको समझ में नहीं आ रही? क्या आपको समझ में आ रही लड़ाई के नहीं समझ में आ रही? आगे भैया आगे, बहुत अच्छे से आगे। सोचा हिम्मत उसकी आपकी रैली में आकर के कहता है कि रोजगार हमें दे दो, आपकी रैली में, आपके कार्यक्रम में, आपके पार्टी कार्यालय में आकर भी वो इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि समाजवादी लोगों का जो रास्ता था, जो तेवर थे, वो हम लोगों ने तेवर थोड़े कम कर दिए। जिस दिन तेवर ठीक हो गए कोई नहीं हो सकता। और मैं इनसे कहूंगा कि इतने चार तुम्हारे अंदर क्यों था, क्यों चाहे आप यहाँ कैसे गए, यहाँ पर कैसे आ गए, यहाँ पर बैठा हुआ जानी सरकार थाने में आपकी सुरक्षा में कैसे आ सकता है? आपके अंदर क्या कर रहे थे आप? आप क्या कर रहे थे यहाँ से जानी सरकार? वो जानी सरकार याद रखना। और अगर जाना है तो इस कप्तान साहब को लेकर आइए और लड़का लेकर के आइए। आपकी सुरक्षा में कैसे आ सकता है? आपके अंदर क्या कर रहे थे आप? आप क्या कर रहे थे यहाँ से जानी सरकार? वो जानी सरकार याद रखना। और अगर जाना है तो इस कप्तान साहब को लेकर आइए और लड़का लेकर के आइए। इसलिए हमें जानकारी दे देना कि आप क्या छोड़ नहीं सकते। आप वो तो हमारी जान ले लेता, जिस तरह रेल का दूल्हा और उसके अंदर बना नहीं कर सकते थे, अब तो पुलिस बना देगी। अभी कुशीनगर का आदमी था, शरीफ आदमी, पेंटर, उसके बताओ भांजा लगा दिया और 40 दिन जेल का।
पता नहीं क्या हो सकता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।